Assalamualaikum, welcome to Dot3D. आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम Extrude टूल यूज़ करते हैं और किस तरह से आप फेसेस को Extrude कर सकते हैं, एजेस को Extrude कर सकते हैं और Extrude करने से हमें कितना फ़ायदा होता है। और साथ ही में आज एक और चेयर का मॉडल बनाएंगे लेकिन सिर्फ एक क्यूब से, और इसमें हम टोटल Extrude का ऑप्शन यूज़ करेंगे। तो आइए देखते हैं। और राइट, वेलकम बैक। तो आज हम देखेंगे कि एक्सट्रूड टूल हम क्यों यूज़ करते हैं और किस तरह से हमें ये बेनिफिट देता है। आपके पास होता ही है कि आप एक्सट्रूड टूल इसलिए यूज़ करते हैं ताकि आपको अगर किसी फेस के अंदर से एक और फेस निकालना है, किसी मैश के अंदर से एक और मैश निकालना है, किसी एज को आपको बाहर धकेलना है या अंदर की तरफ मूव करना है, तो आप एक्सट्रूड टूल यूज़ करते हैं। और एक्सट्रूड टूल से ये होता है कि आप एक ही सिंगल पॉलीगॉन को यूज़ करते हुए अपना फाइनल जो रिज़ल्ट है वो अचीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सट्रूड टूल। एक्सट्रूड टूल आपको मिलेगा कहाँ से? आपने जाना है मेन्यू सेट्स में और यहाँ से मॉडलिंग सेलेक्ट करना है। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो मॉडलिंग पे ही होगा। और उसके बाद आपने जाना है मेन्यू बार में। मेन्यू बार में आपके पास ऑप्शन है एडिट मैश का। एडिट मैश में आप जाएँ और यहाँ पर आपके पास आठवां ऑप्शन है एक्सट्रूड का। तो यहाँ पर आप छोटा सा सिम्बल भी देख सकते हैं कि ये जो ऑरेंज फेस है वो आपकी प्लेन से बाहर निकल रहा है, यानी कि ये एक्सट्रूड करेगा। आपके पास शॉर्टकट की कंट्रोल ई है, या फिर आप फेस या एज सेलेक्ट करके अगर आप शिफ्ट भी प्रेस करते हैं मूव टूल लेके या रोटेट टूल लेके, तो आपके पास एक्सट्रूड टूल वैसे भी आ जाएगा। हम एक एग्जांपल पे पहले काम करते हैं और फिर उसके बाद एक एक्सट्रूड टूल से जो है हम चेयर का वही मॉडल बनाएंगे जो हमने पहले बनाया था। तो मैं यहाँ से एक स्फीयर ले लेता हूँ और स्फीयर को जो है मैं अपनी ग्रिड के ऊपर ड्रॉ कर रहा हूँ शिफ्ट प्रेस करके। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, ठीक है। मुझे इसके सब डिवीजन इतने ज़्यादा नहीं चाहिए तो मैं इसे कम कर लेता हूँ। कंट्रोल ए प्रेस करके एट्रीब्यूट एडिटर में जाता हूँ और यहाँ से मैं इसके जो है वैल्यूज़ 10 कर लेता हूँ, ठीक है जी। इसके बाद मुझे इसके कुछ फेसेस को जो है एक्सट्रूड करना है। और आप एक्सट्रूड किस तरह का करते हैं? आपने जो है पहले अपना सिलेक्शन मोड जो है वो चेंज करना है, यानी कि आप अभी जो है पूरे पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं। अभी आप जो सिलेक्शन मोड पर हैं वो आपका ऑब्जेक्ट मोड पर है और आप जो है अभी पूरे पूरे ऑब्जेक्ट्स को जो है सिलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि आप इस ऑब्जेक्ट के कुछ फेसेस या कुछ वर्टिसेस को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं या एजेस को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं या यूवीज को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो वो किस तरह से आप करते हैं? आपने सिंपली राइट क्लिक करना है और ये जो आपके पास मार्किंग मेन्यू आया है ये आपका सिलेक्शन मोड है। इसमें से आप जो है कुछ भी, आपको जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको कौन सा सिलेक्शन मोड यूज़ करना है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मुझे अभी फेस मोड यूज़ करना है तो मैं फेस मोड पे जाता हूँ और मेरे पास ये जो लाइंस आ रही थी वो पहले ग्रीन थी तो अब मेरे पास ये ब्लू हो गई हैं। और आप देखें तो अभी मेरे पास सिंगल सिंगल जो है वो हाईलाइट्स हो रही हैं और इससे मुझे पता चल रहा है कि मैं अपने फेसेस को अब सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो आप अगर लेफ़्ट क्लिक करते हैं तो आपका ये फेस सिलेक्ट हो गया और वो ऑरेंज हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप सिलेक्शन मोड दोबारा चेंज कर सकते हैं। आपने राइट क्लिक किया, वर्टेक्स आपको सेलेक्ट करना है तो आप वर्टेक्स पे जाएं और आपके पास ये रेड कलर के ऑप्शन आना शुरू हो गए, यानी कि आप अपने वर्टेक्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो ड्रैग करके भी सिलेक्ट कर लें मल्टीपल वर्टेक्स को, या आप शिफ्ट प्रेस करके मल्टीपल वर्टेक्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। सेम यही रूल जो है आप फेसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं और सेम यही रूल जो है आप एजेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आप मल्टीपल एजेस सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप शिफ्ट दबा के एजेस सेलेक्ट कर लें, या आप ड्रैग भी कर सकते हैं तो आपके पास सिलेक्शन हो जाएगी। ऑलराइट, तो अभी फ़िलहाल मैं स्फीयर को ले रहा हूँ और स्फीयर में जो है मुझे एक्सट्रूड टूल यूज़ करना है, यानी ये मुझे ये वाला जो सर्कल है, जो ये एक लूप बन रहा है हमारे पास टॉप का, इससे मुझे एक्सट्रूड करना है बार की तरफ। तो ये किस तरह से होगा? आपने सिंपली जो है पहले सिलेक्शन मोड चेंज करना है, यानी कि आपको पहले फेस मोड पे जाना पड़ेगा, ठीक है जी। हम फेस मोड पर आ गए, उसके बाद मैंने ये एक फेस सेलेक्ट किया और क्योंकि मुझे जो है ये पूरा लूप चाहिए तो या तो मैं जो है शिफ्ट प्रेस करके जो है अपनी सिलेक्शन में ऐड करता जाऊँ, ठीक है, इस तरह से। और मेरा अगर लूप कम्प्लीट हो गया तो मैं इसे एक्सट्रूड कर सकता हूँ, या फिर एक सिलेक्शन जो है मुझे इजी और फास्ट बनानी है तो मैं क्या करूँगा, मैं एक फेस को सिलेक्ट करता हूँ और क्योंकि मुझे पता है कि ये पूरा लूप है
तो मैं इसके बराबर वाले को शिफ्ट प्रेस करके डबल क्लिक कर देता हूँ, तो ये मेरे पास पूरा लूप हाईलाइट हो गया और मैं अब इसे जल्दी से एक्सट्रूड कर सकता हूँ। ठीक है जी, इसी तरह आपने अगर डी सेलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल प्रेस करें और इसे क्लिक कर दें तो ये आपका डी सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आप पूरा लूप डी सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप उसके बराबर वाले को डबल क्लिक कर दें तो आपके पास पूरा लूप डी सेलेक्ट हो गया। अभी मुझे जो है एक फेस एक्सट्रूड करना है, और फेस एक्सट्रूड किस तरह से होगा, आपने सिंपली एक फेस को सिलेक्ट किया और आपके एडिट मैश में जाने के बाद आपने एक्सट्रूड सेलेक्ट कर लिया। ठीक है जी, ये आपके पास आ गए हैं एक्सट्रूड के कुछ ऑप्शंस, और ये आपको दे रहा है मूव, स्केल, रोटेट, एक साथ ही इसमें दे रहा है। ठीक है जी, तो अभी आपका जो एक्सेस आ रहा है वो एक्सट्रूड हुए हुए जो हमने फेस को सिलेक्ट किया है उसके मुताबिक हमारे पास हमारा 3D कोऑर्डिनेट्स आ रहा है। एक्सट्रूड टूल हमारा अप्लाई हो गया है और इसके कुछ यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं, ये हमारे पास के 3D कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं। इसमें अगर आप एरो को यूज़ करते हैं तो आप इसे मूव कर सकते हैं, आप अगर ये छोटे छोटे क्यूब्स यूज़ करते हैं तो आप इसे स्केलिंग कर सकते हैं, और अगर आप ये राउंड सर्कल जो देख रहे हैं इसे आप अगर यूज़ करते हैं तो आप इसे रोटेट कर सकते हैं। मैं अभी जो है सिर्फ इसे ब्लू वाले एरो से बाहर की तरफ एक्सट्रूड करना चाह रहा हूँ, तो मुझे कुछ भी कीबोर्ड पे होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है और मैं सिंपली जो है इसे एक्सट्रूड कर लेता हूँ, तो ये मेरा फेस बाहर आना शुरू हो गया। अगर आप सिंपली एक फेस को सिलेक्ट करें और आप अगर मूव टूल लेते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है, लेकिन आप इसे मूव नहीं कर पा रहे जिस तरह से हमारे पास ये एक्सट्रूड हुआ है, उस तरह से हम इसे एक्सट्रूड नहीं कर पा रहे। हमें एक्सट्रूड करने के लिए जो है वो पूरा ऑप्शन यूज़ करना पड़ेगा जिस तरह से ये वाला हमने किया। ठीक है, इसके बाद आपके पास एक ऑप्शन और है कि आप या आप चाह रहे हैं कि आपने मूव टूल सेलेक्ट किया हुआ है और आप मूव टूल से ही एक्सट्रूड करना चाह रहे हैं, तो आप मूव टूल पे ही रह के आप शिफ्ट प्रेस करें और यहाँ पे आप देखें कि आपके माउस पे जो है एक्सट्रूड लिखा हुआ आ रहा है कर्सर पे, तो आप इसे किसी भी डायमेंशन में एक्सट्रूड कर सकते। जैसे कि मैं येलो एरो को अगर मैं बाहर की तरफ निकालूं तो ये मेरा एक्सट्रूड हो रहा है और मैंने शिफ्ट होल्ड करके रखा है। ठीक है, इतना सिंपल है। इसी तरह अगर आप पूरा लूप एक्सट्रूड करना चाहते हैं तो आप सिलेक्शन करें अपनी, शिफ्ट प्रेस करके डबल क्लिक कर दें तो आपका ये पूरा लूप सेलेक्ट हो जाएगा, और अगर आप टॉप की तरफ निकालना चाह रहे हैं तो आप एक्सट्रूड का ऑप्शन ले लें एडिट मैच से, या फिर आप शिफ्ट प्रेस करें और इस तरह से फेसेस को एक्सट्रूड कर सकते हैं। आप अगर मल्टीपल टाइम्स करना चाह रहे हैं तो आप या तो एक पूरा ले जाएं ऊपर की तरफ, या फिर आप अगर आप मल्टीपल टाइम्स करना चाह रहे हैं तो आप शिफ्ट छोड़ दें यहाँ पे और शिफ्ट दोबारा प्रेस करें, तो आप यहाँ पे एक दफ़ा और कर सकते हैं। आप एक दफ़ा और करना चाह रहे हैं तो आप शिफ्ट छोड़ दें, या आप दोबारा से जो है अपना एक्सट्रूड टूल यूज़ कर सकते हैं और आप इसे बाहर निकाल सकते हैं। अच्छा, ये जो चेंजेस आ रही हैं कि ये आपका थोड़ा सा अब 3D कोऑर्डिनेट्स जो हैं आपके, यानी कि एक्स वाई जेड के जो ऑप्शंस हैं वो थोड़े से रोटेट हो गए हैं, तो आप इसे अगर सीधा करना चाह रहे हैं तो आपके पास ये छोटा सा एक बटन आ रहा है, आप इस पर क्लिक करें और ये आपके रीसेट हो जाएंगे और आप इसे सेम उसी डायरेक्शन में दोबारा से एक्सट्रूड कर सकते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट पॉलीगॉन्स हैं और आप एक्सट्रूड टूल जो है वो डिफरेंट पॉलीगॉन्स पे यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम मॉडल करते हैं एक सिंपल सी चेयर यूजिंग एक्सट्रूड टूल, और मैं यहाँ से एक क्यूब ले रहा हूँ। ठीक है, क्यूब को लेने के बाद मैं सबसे पहले इसकी बेस डिफाइन कर देता हूँ और इसकी हाइट मैं देता हूँ इतनी। ठीक है, तो मैं अभी ये अज्यूम कर रहा हूँ कि ये मेरी जो है चेयर की सीट होगी, और मैं इसमें जो है सब डिविजन ऐड करना चाह रहा हूँ ताकि मेरे पास इसके फुट्स निकालने हैं मुझे, फिर इसकी जो है बैक की सपोर्ट निकालनी है, या आपने अगर रेस्ट आर्म निकालने हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप सब डिविजन बढ़ाने के लिए आपको एट्रीब्यूट एडिटर में जाना होगा, और एट्रीब्यूट एडिटर में जाने के बाद आप पॉली क्यूब पे जाएं, यहाँ से आप अगेन जो है इसका रीस्केलिंग कर सकते हैं। अगर आपको विड्थ बढ़ानी है, हाइट बढ़ानी है, या डेप्थ में इजाफा करना है तो आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन मुझे अभी जो है सब डिविजन्स चाहिए तो मैं सब डिविजन्स को चेंजेस कर सकता हूँ, और मैं यहाँ से ज़्यादा नहीं ले रहा, मैं 3-3 कर लेता हूँ वैल्यूज़। ठीक है, और मेरा क्यूब जो है वो अब कुछ इस तरह का हो गया, और नीचे से जो है मुझे 4 फुट निकाल लेंगे तो मेरे पास ये छोटे छोटे बॉक्सेस बन गए हैं। पहले मेरे पास एक बड़ा बॉक्स था, फेस था, और अब मेरे पास ये मल्टीपल फेसेस आ गए हैं, तो मैं
इनमें से जो है वो चार फेसेस को सिलेक्ट करके और नीचे की तरफ अगर एक्सट्रूड करता हूँ तो मेरे पास इसके पैर बन के आ जाएंगे। ठीक है, आप फेस मोड पे जाएं और आप शिफ्ट प्रेस करके जो है मल्टीपल सिलेक्शन फेसेस की कर सकते हैं। ठीक है, आपने फेसेस सिलेक्ट किए हुए हैं और आपने सिंपली जो है ऊपर जाके एडिट मैश में एक्सट्रूड यूज़ करना है और आप इस बटन पर क्लिक करें, आप इसे नीचे की तरफ मूव कर दें। ठीक है, ये अभी बहुत चौड़े चौड़े आ रहे हैं तो आप ऑफ कोर्स अपने फेस का साइज़ जो है वो छोटा कर सकते हैं। किस तरह से, आप या तो जो है एजेस को डबल क्लिक करके अगर आप एजेस को सिलेक्ट करते हैं तो आपके पास ये पूरा एज का जो है लूप सिलेक्ट होगा, और इसी तरह मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास ये बराबर वाली एज भी जो है वो सिलेक्ट हो जाए लूप के अंदर, तो मैं शिफ्ट प्रेस करके उस पर भी डबल क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, और मुझे ये मूव करनी है इस तरफ और ये मूव करनी है इस तरफ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं मूव टूल के बजाय जो है स्केल टूल लेता हूँ और मैं ये ब्लू वाला जो मेरा स्केल का ऑप्शन है यानी कि जेड एक्सिस, मैं इसे जेड एक्सिस में मूव करना शुरू करता हूँ। तो आप देखें कि मेरी एजेस जो है वो मूव होना शुरू हो गई हैं, और सेम यही केस जो है मुझे इन वाली एजेस पे करना है क्योंकि ये पूरा लूप है, तो अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये पूरे पूरे लूप सेलेक्ट हो जाएंगे। सी, और अगेन मैं जो है वो एक्स एक्सिस पे इसे मूव करके क्लोज कर देता हूँ ताकि मेरे पास ये इसके जो फेसेस पहले बड़े आ रहे थे अब वो छोटे हो गए हैं, और मेरे पास मैं फेस मोड पे जाके मेरे पास सिलेक्शन हुई भी है और अब मैं इसे एक्सट्रूड कर देता हूँ। मैं मूव टूल लेता हूँ और शिफ्ट प्रेस कर देता हूँ तो मेरे पास एक्सट्रूड का ऑप्शन यूज़ हो गया। तो पहले जो हमने एक स्टूल नुमा जो शेप बनाया था वो हमने मल्टीपल क्यूब से बनाया था पहले वाली वीडियो में, लेकिन आप अभी देखें कि ये हमारा एक सिंगल मैश है और हमने एक सिंगल मैश से ही इसके चार पांव भी बना दिए। ठीक है, आप इसका बैक का सपोर्ट भी बना सकते हैं और आप इन फेसेस को यूज़ कर लें। ठीक है, आप फेस सेलेक्ट करें, जो भी आपको जितने भी आपको फेसेस यूज़ करने हैं आप फेस सेलेक्ट करें, और आप चाहें तो इनको स्केल भी कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं और मूव कर सकते हैं। मैं अगेन जो है वो शिफ्ट प्रेस कर रहा हूँ ताकि मेरा एक्सट्रूड टूल जो है वो ऑन हो जाए और आप यहाँ से इसे एक्सट्रूड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर चाहें तो आप ये मिडिल वाला फेस भी आप इसमें ले लें और आपके पास ये जो है एक प्रॉपर चेयर का शेप बन के आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे एजेस देना चाह रहे हैं यानी कि आपको एजेस देनी है ताकि आप इसमें से जो है मल्टीपल कंपार्टमेंट्स निकाल सकें, तो वो किस तरह से निकालेंगे, आप कंट्रोल जी करें, आप पीछे जाने के लिए कंट्रोल जी यूज़ करें ताकि आपका ये जो काम है वो अंडू हो जाए। और मैं अगेन जो है वो दो फेसेस को यूज़ करके जो है अब एक्सट्रूड कर रहा हूँ। ठीक है, और क्योंकि जब मैंने पहले मॉडल बनाया था उसमें मैंने यहाँ पे एक सपोर्ट दी थी और इसके नीचे भी सपोर्ट दी थी, तो आप सपोर्ट किस तरह से देख सकते हैं क्योंकि आपके पास यहाँ पे कोई एजेस तो आ नहीं रही हैं और फेसेस भी नहीं आ रहे, तो आप किस तरह से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अपने फेसेस को, आप यहाँ पे जो है एक्सट्रूड छोड़ दें और दोबारा से अगर आप एक्सट्रूड यूज़ करते हैं तो आपके पास यहाँ से नया एक्सट्रूड का ऑप्शन यूज़ हो जाएगा और वहाँ पर आपके पास पीछे जो है एजेस और वर्टिसेस पीछे रह जाएंगे। इसी तरह से आप मल्टीपल टाइम्स यूज़ करके जो है अपना फेसेस और एजेस को इजाफा कर सकते हैं, और यहाँ पे आपके पास एक सपोर्ट के लिए आपके पास ये बन के आ गए हैं फेसेस, और इनको आप अगेन जो है एक्सट्रूड कर लें। मैं आर प्रेस कर रहा हूँ और शिफ्ट प्रेस करके जो है अगर मैं जेड एक्सिस से इसे एक्सट्रूड करता हूँ तो मेरे पास ये बन के आ गया। ठीक है जी, इसी तरह अगर आपको जो है नीचे की तरफ बनाना है अगर सपोर्ट्स को, तो आप यहाँ पे भी एक्सट्रूड टूल यूज़ कर सकते हैं। और एक टूल और है जो हम यूज़ करते हैं फॉर द एजेस के लिए ताकि हम अपनी एजेस को जो है इजाफा कर सकें, आप यहाँ से जो है अपने सब डिविजन्स अब चेंज नहीं कर सकते क्योंकि आपने एक दफ़ा जो है अपने फेसेस या वर्टिसेस या एजेस को अगर एक दफ़ा छेड़ दिया तो फिर आप यहाँ से सब डिविजन्स चेंज नहीं कर सकते। चेंज तो कर सकते हैं लेकिन वो फिर देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है बराबर में, तो फिर कुछ इस तरह का उलट पुलट हो जाएगा। इससे बेहतर है कि आप कुछ और टूल्स को जो है यूज़ करते हुए अपना काम आसान करें
और ना कि उसे हैक्टिक करें, ठीक है। ऑलराइट, तो ये था हमारा एक्सट्रूड टूल का ऑप्शन और हमने देखा कि हम किस तरह से जो है एक सिंगल क्यूब को यूज़ करते हुए अपनी एक चेयर मॉडल की हमने, और इस तरह से हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करके जो है एक्सट्रूड टूल यूज़ करके और डिफरेंट चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। और मुझे पता है कि मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ और बेसिक्स को ही अभी तक कवर कर रहा हूँ, क्योंकि यार ये हमारी रिक्वायरमेंट है और मैंने तो और भी स्लो पढ़ा था और आप तो फिर भी तेज़ चल रहे हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जो है हम कार भी मॉडल करेंगे, वेपन्स क्रिएट करेंगे और गेम के एसेट्स क्रिएट करेंगे, इसी तरह हम इंटीरियर पे भी काम करेंगे और इंशाल्लाह जो है आने वाले दिनों में चीज़ें अच्छी होंगी। तो अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं या मुझे कुछ बताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियो को। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू।